I got supplies. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है भाई आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाटेंगे। और हम आ गए हैं एक और आपके लिए बेहतरीन सा गर्मा गर्म, बस अभी भी समझ लो तंदूर से निकला है गेम प्ले लेके। इस गेम प्ले में हम जा रहे थे मिलिट्री बेस ऑफिस। मैं मिलिट्री बेस में ना हमेशा ऑफिस को उतरता हूँ, क्योंकि पहला वहाँ पर बंदा कम आता है और वहाँ गन बहुत ईजीली आपको मिल जाती है। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना मतलब मैं उतर रहा हूँ ना तो पहली दूसरी या तीसरी गन ना पक्का, तीसरी गन पक्का मुझे M4 मिल ही जा रही है। उतरा मुझे M14 मिली और अपना अपना देसी कट्टा मिला। पता नहीं इसको देसी कट्टा यूँ कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ खास तो नहीं है इसमें। चलो देसी कट्टा मिला, बैरल थी मैंने छोड़ दी, SLR छोड़ दी। SLR का मतलब अगर कभी मैं DMR चलाता भी हूँ ना तो या तो VSS बेहतरीन या हद है तो चलो कभी Mini-14, पर SLR इसका डैमेज रेट सबसे ज़्यादा DMR में। लेकिन फिर भी मैं नहीं चलाता, एक बंदा था ऊपर उसको हमने थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन वो कूद गया, तो DMR की बात चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। दरअसल मसला ये कि ना मैं ऑलमोस्ट 2 रातों से जागा हूँ, मैं सो नहीं रहा, इसलिए तो मैंने आपके लिए गेम प्ले बनाया। फिर सोते हैं तो अब भाई जानेंगी यार। हम सी बिल्डिंग में आ गए थे और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे आप छुप जाओ ना तो बंदा आपको गोली मारेगा तो आपको नहीं लगेगी। वो जगह है ये, आपको सामने हर चीज़ दिखेगी लेकिन सामने वाला बंदा आपको नहीं मार सकता। मैं जैसे निकल रहा था उसने मुझे देख लिया, इस वजह से सिर्फ मुझे शॉट किए, बाकी गोलियाँ फिर भी नहीं लगेंगी। और उसको हमने बोला इंतर कैसे भाग रहा है, पिंग देख लो उसकी कितनी अच्छी थी। मैंने उसको मार दिया, ग्रीन स्मोक लग गया उससे, मतलब उसके आना शुरू हो गया, उसके बाद जाके मुझे डैमेज लगा। फिर हमने लूट वूट की बेहतरीन तरीके से, उजी और M4 का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सब वाइप है इससे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बॉट था लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कोई बंदा, 3 ही बंदा आए थे ज़्यादा नीचे, ये जा रहा था ऊपर लेकिन नीचे आया नीचे। मेरा मैं आपको जैसे अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखते हो यार हो तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरा जो उंगली है ना वो R पे बैठी हुई है, तो मतलब 12, 13, 14 गोली के बाद मैं खुद ही R दबा देता हूँ, ये दब जाता है मुझसे R, मुझे खुद पता नहीं चलता। फ्लेयर में गन मेरे पास थी, जोन भी मतलब ब्रिज से पहले वाले कंपाउंड पे था तो मैंने बोला वहीं जाके चलाएंगे, लेकिन वहाँ सीन हो गया हमारे से, पी रैंक हो गया। यहाँ जाते मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मतलब गाड़ी तरफ जाते हुए ना सोलो या स्क्वाड में भी हो सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि कैंपर भरमार होती है। और ये देखो ऐसे आपको डैमेज दिया जाता है, फिर तो जत्ता भी गलत है, पर इसका मतलब गोलियां ही चला रहा था मुझे लग नहीं रही थी, बच गया मैं, लेट वेट गया मैंने हिल विल की। और ये बंदा सामने आ गया जैसे मैं लेटा था, ये भी वैसे लेट गया, तो मैंने नेट निकाला, मैंने बोला तू रुक, ऐसे कैसे आप रुक जाओगे, ये फिर जा रहा था तो हमने बोला आप जाओ, आप सी बिल्डिंग की तरफ जाओ, हम उनको लॉबी भेज देंगे। और फिर हमने इसको भेज दिया लॉबी, 3 किल्स 3 बंदे आए थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 किल्स उठाए अच्छे खासे। तो खैर नहीं है, आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं सोलो वर्सेस ना डुओ, क्योंकि स्क्वाड तो खैर नहीं इतना अच्छा, डुओ का मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कर दूँ, क्या पता चल जाए, प्रैक्टिस चल रही थोड़ी सी। एक बहुत सही खुश बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी फंस गया था मेरा, मैं फंस गया था सॉरी खुशखबरी मैं आपको आगे आगे सुनाऊंगा, पहले हम गाड़ी में बैठते हैं फ्लेयर चलाते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बता देता हूँ चलो, वो खुशखबरी कुछ ऐसी है, GTA 5 प्रीमियर एडिशन इज अवेलेबल फॉर फ्री। आई थिंक मैंने सही बोला, GTA 5 का जो प्रीमियर एडिशन है जिसमें आपको $10 million वाइट कैश फ्री मिलेगा आपको, ये हमारी देखो ये ड्रॉप की सर्विस फास्ट, ठीक है, ये फास्ट नहीं है ये फास्ट है, मतलब टक करके आता है हमारा ड्रॉप। तो GTA 5 फ्री मिल रहा है, एपिक गेम्स पे जाओ और ले लो फ्री में, ठीक है। मैं पहले सोचा कि स्क्वाड हाउस पे आते हैं लेकिन स्क्वाड हाउस पे मैं जैसे आया तो मेरी नज़र पड़ी कि ड्रॉप गिरा है और ये हमारी बेइज्जती थोड़ी सी कोई ना होती है, तो मैं ड्रॉप पे जा रहा था। और यहाँ ना मतलब मेरे बस में सब कुछ था, बंदा था, गाड़ी थी, पर उसके पास DMR थी, शायद उसको यही कहते हैं, आई थिंक पता नहीं क्या कहते हैं, 72 गन कहता हूँ मैं तो
मेरे पास 180 गोलियां थी M4 की। मैंने बोला तू आ मुझे मार, आ जा। मैंने बोला चलो छोड़ो बहुत हो गया, ये मार भी देगा। मैंने ना मतलब इसको 100 से ज़्यादा गोलियां मैंने मार दूंगी, 89 भी फट जाती, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब क्या ऐसा हुआ जो ये फटी नहीं रही थी। वैसा मतलब ब्लैक धुआं निकल चुका है, गोलियां मैं मार रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा इतना दिल था ना कि ये ड्रॉप मुझे मिल जाए, पर ये देखो इतना मिल गया। पर इसमें ना MK14 थी, चूँकि ये जो सेकंड बंदा था ना RP वाला, ये वही था और उसको हमने मारा फिर आगे जाके। बहरहाल कोई ना, जो चलेगा उस पर क्या रोना। फिर हम दोबारा से अब हम जाएंगे ड्रॉप पे, क्योंकि ना अक्सर ऐसा ही होता है कि जिसने ड्रॉप लूटा होता है ना उसके पास डैमेज होता है थर्ड लेवल का, या हेलमेट होता है या वेस्ट होता है, तो मैं वो जाके लेता हूँ। यहाँ वाला एक बहुत सही चीज़, बस देखते रहो। मैं आया, मैंने बोला चलो कुछ देख ही लेते हैं क्या मिल रहा है। और टक, मैंने बोला बस मैं तो यहाँ गया कोई मुकाबला ही नहीं, पर नहीं भाई यहाँ इसको खुल गया और इसको बंद ही नहीं हो रहा। उसी निकाली हमने, देखा जो अच्छा फैसला हमारा उसी निकाली भाई यहाँ ना, मतलब मैं यहाँ हूँ ना, यहाँ बैठ के मैं हील कर रहा हूँ, मेरा दिल ड्रॉप से लग के वापस आ रहा है, ड्रॉप से लग के वापस आ रहा है, क्योंकि भाई ऐसी कंडीशन थी। मैं बिल्कुल भी अच्छा गेम प्ले गेम नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी कभी कभार तुक्का चल ही जाता है। पर क्या हुआ, हमने कंपनसेटेड से उठाया, थर्ड लेवल का हेलमेट उससे उठाया, और सबसे बड़ी बात भाई ऑम थी इसके पास। ये कोई मजाक हो रहा है, ऑम थी। मुझे छोड़ा भी नहीं, एक चीज़ याद आ गई, वो स्पीच चल रही होती है और फिर बहुत बड़ा रुतबे वाला एक इंसान होता है जो कि पार्लियामेंट पर खड़ा होता है, वो बोलता है ये कोई है। तो मेरा रिएक्शन यही था यहाँ पे। मैंने फिर इन कंपाउंड पे आ गया, मैंने बोला क्या पता जोन यहाँ बने जोन यहाँ नहीं बना। फिर मैं आगे जा रहा था और मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ कसम से, मैं इतना शरीफ हूँ कि अगर कोई सामने बंदा दिख रहा है ना मैं उसको नहीं मारूंगा। और वो सामने वाला बंदा भी बहुत ही सेकेंड आर्ट वाला बंदा था, ये भी बहुत शरीफ था भाई, ये भी मुझे नहीं दिख रहा, ये MK वाला ही था, ये मतलब और बंदों को मारा था, स्नेक को मारा भी था। और ये वही था जो ना DMR, मुझे क्यों ये नाम शायद DMR ही है, चलो भाई DMR नाम है उसका, ये DMR से भाग के आया था। सबसे अच्छी जगह है पूरे रेंगल की ये, नहीं ये नहीं, सबसे बेहतरीन जगह है अगर आपको छुपना है ना, कैंप करना है, ये जगह। चारों तरफ रिज, घास फूस और दरख्त वगैरह, तो मतलब बंदा स्पॉट करना बहुत मुश्किल। बीच में घर है, किसी भी घर का कोना पकड़ के जाके लेट जाओ, पता ही नहीं चलना किसी को। मतलब अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है ना, तो आपका उसके पास साउंड यहाँ पे ज़रूर आएगा, वरना आप नेट से मरोगे। मतलब या तो आप नेट से मर सकते हो, वरना फिर आपको बंदे का साउंड ज़रूर आएगा, मतलब पता होगा कि इस बंदे ने मुझे मारा है। मैंने यहाँ बहुत वेट किया, 10 बंदे लाइफ से 4 रह गए थे, एक ना बहुत मतलब मेरा नसीब था समझ लो, ये चिकन खाना ना ये मेरा नसीब था। वो ऐसा था कि मैं जा रहा था, मैंने बोला पत्थर पे जाके लेते हैं, क्योंकि अब जोन पीछे आ रहा तो सब ख़त्म हो गया, पीछे कोई आ ही नहीं रहा होगा। मुझे यहाँ बंदा दिखा, साउंड आया और फिर ये हो गया। वाह भाई वाह, मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है, कि बंदा आ रहा है आपने उसको देखा वो जोन से ही मर गया। ये जब बंदा, अब तीन बंदे बचे हैं, तो तीन बंदे जब भी बचते हैं तो मैं ये करता हूँ, लेट जाता हूँ और सिर्फ मैं वेट करता हूँ कि कब इन दोनों की फाइट हो। और ये सब सामने से चला गोली चली, तो मैं समझ गया कि बंदा सामने ही है, उस बंदे ने मुझे अभी स्पॉट कर लिया है और वो इसी ना ब्लू वाले हाउस के पीछे ही है। तो मैंने बोला चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा जोन भी आगे हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया जो कि मैं कोई करता नहीं, माय अनयूजेबल ब्रेन इज़ नाउ एट वर्किंग आ चुका था। मतलब बस सुन लो बस, ठीक है। यहाँ से मुझे उसने देख लिया, स्पॉट कर लिया। अच्छी बात ये थी कार98 के पास अगर मुझे वो हेडशॉट भी देता तो मेरा थर्ड लेवल का हेलमेट ही डैमेज होता, इसलिए मैं मुंह पे आके उससे फाइट लेना चाह रहा था। गोली कान के पास से जर्र करती हुई गई और अब वो मुझे वहाँ से लाश कर रहा होगा, लेकिन मैं खिड़की पे आ गया और सही पट से, मतलब बहुत सही हो गया यहाँ पे ना, मज़ा आया। समझ लो एक बात समझ में नहीं आती मेरे को, शायद आपको भी तंग करती हो, विनर विनर चिकन डिनर बात ठीक है, ठीक है। वो घोड़े का जो वो होता है जो पाँव में फंसाते हैं उसके पैर में जो लगता है, क्या काम उसका यहाँ पे यार, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि वो उसका क्या काम विनर विनर चिकन डिनर में, और मुर्गे का नाम ले रहे हैं हम, कोई रिश्ता भी नहीं लगता घोड़े से उसका, फिर भी
मुझे प्लीज़ बताना आप, ठीक है? अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना फसलों का ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।